घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का करते हैं इस्तेमाल? क्या एक्सपायरी डेट देखकर खरीदा सिलेंडर? कहीं गैस सिलेंडर पुराना तो नहीं? हो सकता है बड़ा हादसा। कैसे चेक करें सिलेंडर की एक्सपायरी डेट? आज के समय में हमारे घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बेहद आम हो गया है। शहर हो या गांव, एलपीजी गैस सिलेंडर लगभग हर घर में अपनी पहुंच बना चुका है। ये हर घर में इस्तेमाल तो होता है, लेकिन इससे जुड़ी सावधानियों की जानकारी सभी को नहीं होती। क्या जानते हैं, खाने पीने के सामान और दवाओं की तरह गैस सिलेंडर की भी एक्सपायरी डेट होती है। इतना ही नहीं, एक्सपायरी डेट निकलने पर गैस सिलेंडर खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या आप अपना एलपीजी गैस सिलेंडर एक्सपायरी डेट चेक करके लेते हैं? अगर नहीं तो आज ही जांच कर लें। ये काम काफी आसान है और एक नजर में किया जा सकता है। कैसे चेक करें सिलेंडर की एक्सपायरी डेट? इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों ही कंपनियों के एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट एक जैसी होती है। सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में होने वाली तीन पट्टियों में से एक पर कोड लिखा होता है। ये ए बी सी या डी से शुरू होता है और आगे इसमें कोई नंबर होता है। असल में यही कोड सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होता है। इस कोड में सिलेंडर के एक्सपायर होने का महीना और साल लिखा होता है। गैस कंपनियां पूरे साल को चार हिस्सों में बांट देती हैं। ए यानी फर्स्ट क्वार्टर, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च महीने आते हैं। बी यानी सेकंड क्वार्टर, अप्रैल मई जून। सी यानी थर्ड क्वार्टर, जिसमें जुलाई अगस्त सितंबर के महीने शामिल हैं। और डी यानी फोर्थ क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड। उदाहरण के लिए किसी सिलेंडर पर डी 16 लिखा है तो इसका मतलब है दिसंबर 2016 के बाद इसकी टेस्टिंग करवानी जरूरी है। अगर बी 25 लिखा है तो मतलब ये हुआ है कि वो गैस सिलेंडर जून 2025 को एक्सपायर हो जाएगा। इसके तारीख के बाद किसी भी तरह की दुर्घटना की जिम्मेदारी तेल कंपनी की नहीं होती है। कब करवानी चाहिए टेस्टिंग? हर एलपीजी गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करने के एक समय सीमा होती है। इस अवधि के बाद सिलेंडर की टेस्टिंग होनी जरूरी है। किसी भी नए एलपीजी गैस सिलेंडर की 10 से 15 साल में टेस्टिंग करवानी होती है। वहीं पुराने सिलेंडर की हर 5 साल में टेस्टिंग करवानी जरूरी है। गैस सिलेंडर प्लांट में ही सिलेंडर की टेक्निकल जांच की जाती है। यदि टेस्टिंग में सिलेंडर इस्तेमाल करने लायक नहीं निकलता तो इसे मार्केट से हटा दिया जाता है। वैसे तो खुद एजेंसी ही इसकी टेस्टिंग करती है, लेकिन कई बार धोखे से ऐसे सिलेंडर मार्केट में आ जाते हैं। कई बार लोग सालों तक सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में सिलेंडर की टेक्निकल जांच बहुत जरूरी होती है। जांच न करवाने पर कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सिलेंडर लें तो एक बार उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।